नमस्कार। YouTube चैनल मैथ्स एरा एंड सिविल इंजीनियरिंग बाय आरपी व्यास से मैं आरपी व्यास सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा और बीटेक कर रहे उन सभी स्टूडेंट्स का हार्दिक स्वागत करता हूं जिनको सॉइल मैकेनिक्स के अंदर तैयारी करनी है। आज ये वीडियो नंबर जो 5 है सॉइल पे, इसमें हम कुछ बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। वो ये है, पहला आईडी यानी कि डेंसिटी इंडेक्स, ये क्या होती है इस पर चर्चा करेंगे। दूसरा आज हम बताएंगे आपको जो हम पहले नहीं बता चुके थे, एसी यानी कि एयर कंटेंट। इसको हिंदी में कह सकते हैं वायु अंश, और इसको कहते हैं घनत्व सूचकांक। घनत्व सूचकांक यानी कि घनत्व सूचक अंक। तीसरा एक रिलेशन होगा एन ए इज इक्वल टू एन इंटू ए सी। ए सी तो मैंने बताया आपको एयर कंटेंट है, और एन ए जो होता है वो होता है परसेंटेज एयरवॉइड्स यानी कि प्रतिशत वायु रिक्तता, ये एन ए होता है। हम एन ए को ऐसे परिभाषित कर सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ एयर अपॉन टोटल वॉल्यूम, और अगर मैं इसको 100 से गुणा कर दूं तो ये परसेंटेज बन जाएगा। फॉर्मूले में हमेशा एन ए की वैल्यू रखी जाती है फ्रैक्शनल, और परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये जो एन ए है उसकी वैल्यू होती है एन इंटू ए सी, जहाँ एन को हम पहले पढ़ चुके हैं। ये है पोरोसिटी, ये हम पढ़ चुके हैं। और चौथा जो हम इस आज की वीडियो में करेंगे, एक रिलेशन को प्रूव करेंगे जो बहुत इम्पोर्टेंट है, वो है गामा डी इज इक्वल टू गामा अपॉन वन प्लस डब्ल्यू। डब्ल्यू यहाँ पे वाटर कंटेंट है, जिसको हम पहले वीडियो में अच्छी तरह से स्टडी कर चुके हैं। गामा डी जो है वो ड्राई डेंसिटी है, ड्राई डेंसिटी ऑफ सॉइल यानी कि मृदा की, मृदा का शुष्क इकाई भार, शुष्क घनत्व कह दो। ये जो गामा है ये बल्क डेंसिटी है, मृदा का स्थूल घनत्व, और जो डब्ल्यू है ये जलांश है। तो इन चार बातों पर इस वीडियो में चर्चा होगी। अब पहले अपन बात करते हैं आईडी की यानी कि डेंसिटी इंडेक्स। देखिए डेंसिटी इंडेक्स को जो डिफाइन किया जाता है वो है ई मैक्स माइनस ई अपॉन ई मैक्स माइनस ई मिनिमम। अब ई मैक्स क्या है, ई मिनिमम क्या है, ई क्या है, इसकी बात कर लेते हैं। तो पहले अपन ई की बात करते हैं। तो ये है जो सॉइल है वो जिस प्राकृतिक अवस्था में है, नेचुरल स्टेट में, उसके अंदर उसका रिक्तता अनुपात यानी कि वॉइड्स रेशियो ऑफ सॉइल इन नेचुरल स्टेट, प्राकृतिक अवस्था में मृदा का रिक्तता अनुपात, वॉइड रेशियो को आपको पता ही है रिक्तता अनुपात कहा जाता है। ई मैक्स नाम ही है मैक्स यानी अधिकतम, रिक्तता अनुपात अधिकतम कब होता है, जब वॉइड्स बहुत ज़्यादा होते हैं, मृदा जो होती है खुली खुली होती है, मृदा बिल्कुल ढीली अवस्था में होती है। तो कहेंगे वॉइड्स रेशियो ऑफ सॉइल इन इट्स लूजेस्ट फॉर्म, मृदा की सबसे ढीली अवस्था में उसका रिक्तता अनुपात ई मिनिमम यानी कि मिनिमम वॉइड रेशियो। वॉइड रेशियो मिनिमम कब होता है, जब मृदा की आप अच्छी तरह से कुटाई करते हैं, उसका कॉम्पैक्शन होता है,
यानी कि डेंसिटी सॉइल की बढ़ जाती है। जब किसी चीज़ को अपन कॉम्पैक्ट करते हैं ना, जब कुटाई करते हैं उसको, ठोकते पीकते हैं, तो उसकी डेंसिटी बढ़ जाती है। तो वॉइड्स रेशियो ऑफ सॉइल इन इट्स डेंसेस्ट फॉर्म या डेंसेस्ट कंडीशन भी कह सकते हैं या डेंसेस्ट स्टेज भी कह सकते हैं, मिनिमम यानी कि मिनिमम वॉइड रेशियो। और ये जो रेशियो है इसको अपन कहते हैं आईडी। अच्छा, आईडी की जो वैल्यू होती है ना वो एक से ज़्यादा नहीं होती, जीरो से कम नहीं होती, यानी आईडी इज लेस देन इक्वल टू वन और ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो। ज़ीरो कब होती है? इफ़ ई इज इक्वल टू ई मैक्स, यानी जो नेचुरल स्टेट में जो सॉइल मिल रही है वो लूजेस्ट फॉर्म में हो, अगर यानी वॉइड रेशियो मैक्सिमम हो, देन जो आईडी होगा वो क्या हो जाएगा? अगर मैं ई को ई मैक्स लिख दूं तो ये ई मैक्स माइनस ई मैक्स हो जाएगा ना, और अपॉन ई मैक्स माइनस ई मिनिमम, तो ये ज़ीरो हो गया, ई मैक्स माइनस ई मैक्स, और ज़ीरो बन समथिंग की ज़ीरो विच इज़ नॉट। अब जीरो में किसी ऐसे का भाग लगाओ जो जीरो ना हो तो जीरो बन जाता, तो जीरो हो गया। इसका मतलब आईडी बराबर ज़ीरो कब? जब जो आपको जो नेचुरल स्टेट में जो सॉइल मिल रही है वही जो सॉइल है उसका जो ई है वो मैक्सिमम हो, यानी कि वो लूजेस्ट फॉर्म में हो। एंड इफ ई इज इक्वल टू ई मिनिमम, यानी अगर वॉइड रेशियो मिनिमम है, यानी जो नेचुरल स्टेट में आपको सॉइल मिल रही है वो डेंसेस्ट फॉर्म में मिल रही है, तो उस केस में क्या होगा? देन आई डी इज इक्वल टू, अगर मैं कह दूं कि ई इज इक्वल टू ई मिनिमम, तो ये ई मैक्स माइनस ई मिनिमम हो जाएगा ना, ई की जगह ई मिनिमम हो जाएगा, और नीचे तो वैसे भी ई मैक्स माइनस ई मिनिमम है ही है, ई मैक्स माइनस ई मिनिमम, तो ई मैक्स माइनस ई मिनिमम में जब हम ई मैक्स माइनस ई मिनिमम का भाग लगाएंगे तो वन आएगा। इसका मतलब डेंसिटी इंडेक्स बराबर वन। तो ये मैंने आपको बताने की कोशिश की है कि जो डेंसिटी इंडेक्स होती है, घनत्व सूचकांक होता है, वो ज़ीरो से लेकर एक तक कुछ हो सकता है। ज़ीरो से कम नहीं होता यानी कि नेगेटिव नहीं होता, और एक से कभी ज़्यादा नहीं होता। नॉर्मली ये ज़ीरो से एक के बीच में होता है, 0.9, 0.2, 0.7 इस प्रकार से। ज़ीरो तो एक्सट्रीम कंडीशन में होता है, वन भी एक्सट्रीम कंडीशन में ही होता है। तो ये मैंने आपको आज अभी ये समझाने की कोशिश की है, डेंसिटी इंडेक्स। और दूसरा पॉइंट जो आज की वीडियो का है वो है एयर कंटेंट। देखिए, ये होता है वॉल्यूम ऑफ एयर अपॉन वॉल्यूम ऑफ वॉइड। सॉइल में जो वॉइड्स है उसमें कितनी एयर है उसको ये बताता है। जितनी एयर का वॉल्यूम ज़्यादा होगा उतना एयर कंटेंट ज़्यादा होगा। और दूसरी बात जो है कि एन ए होता है, एन ए, ये आपको मैं अभी थोड़ी देर पहले बता चुका था, ये रहा यहाँ पे। एन ए को कहते हैं अपन परसेंटेज एयर वॉइड्स, और एन ए का मतलब होता है वॉल्यूम ऑफ एयर अपॉन टोटल वॉल्यूम। तो ये एन ए को हम कहता है वॉल्यूम ऑफ एयर अपॉन टोटल वॉल्यूम। अच्छा, आप SR पढ़ चुके हैं पहले, डिग्री ऑफ सेचुरेशन, ये होता है वॉल्यूम ऑफ वाटर अपॉन वॉल्यूम ऑफ वर्ड्स। अब देखिए, एक रिलेशन मैं आपको बता देता हूँ इस स्टेज पर, कि अगर आप AC के अंदर SR जोड़ दें, AC के अंदर SR जोड़ दें, तो AC क्या था? वॉल्यूम ऑफ एयर अपॉन वॉल्यूम ऑफ वर्ड्स। SR क्या है? वॉल्यूम ऑफ वाटर अपॉन वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स, और इसमें वॉल्यूम ऑफ वॉइड LCM आ जाएगा, तो वॉल्यूम ऑफ एयर प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर हो जाएगा, और वॉल्यूम ऑफ एयर और वॉल्यूम ऑफ वाटर मिलकर वॉल्यूम ऑफ वॉइड बन जाते हैं, और वॉल्यूम ऑफ वॉइड बटा वॉल्यूम ऑफ वॉइड कितना होता है? 1 होता है। इसका मतलब AC एयर कंटेंट प्लस डिग्री ऑफ सेचुरेशन इज इक्वल टू 1। तो आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि AC इज इक्वल टू 1 माइनस SR एंड
SR इज इक्वल टू 1 माइनस AC। तो ये भी एक बड़ा इम्पोर्टेंट लेसन है जो मुझे आपको बताना था। तो हम यहाँ कह सकते हैं इस चीज़ को कि ये नंबर 2 पे जो है ये AC का जो बात समझाने के साथ साथ में यहाँ पे हम कहेंगे रिलेशन बिटवीन AC एंड SR डिग्री ऑफ सेचुरेशन को हम कहते हैं यहाँ पे, देखिएगा SR, हाँ SR ही है ना, SR। ये भी हमको इस वीडियो में देखना था, तो हमने इसको देख लिया यहाँ पे। अब आगे आ रहा है इसके बाद रिलेशन बिटवीन NA एंड AC, तीसरे नंबर पे क्या प्रूव करना हमको, टू प्रूव NA इज इक्वल टू N इंटू AC, यानी कि परसेंटेज एयर वॉइड इज इक्वल टू पोरोसिटी इंटू एयर कंटेंट। कैसे करें इसको, मैं राइट हैंड साइड लेता हूँ, राइट हैंड साइड क्या है N इंटू AC। N क्या होता है, पोरोसिटी, यानी कि वॉल्यूम ऑफ वॉइड बटा टोटल वॉल्यूम, ये हम पहले वीडियो में पढ़ चुके हैं। एयर कंटेंट वॉल्यूम ऑफ एयर अपॉन वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स, अभी वॉल्यूम ऑफ वॉइड से वॉल्यूम ऑफ वॉइड कट जाएगा, क्या बच गया, वॉल्यूम ऑफ एयर अपॉन टोटल वॉल्यूम। और आप जानते हैं कि वॉल्यूम ऑफ एयर और टोटल वॉल्यूम का जो रेशियो होता है वो परसेंटेज एयर वर्ड्स एनए होता है, जो कि लेफ्ट हैंड साइड है, विच इज LHS। हेंस प्रूव, इट मीन्स हम कह सकते हैं कि जो एनए है परसेंटेज एयर वर्ड्स वो है पोरोसिटी इंटू एयर कंटेंट एनए टू AC। तो ये मैंने आपको AC के बारे में समझाया था नंबर 2 पॉइंट पर, और AC और SR का एक रिलेशन बताया था मैंने आपको, AC इज इक्वल टू 1 माइनस SR और 1 माइनस SR इज इक्वल टू SR इज इक्वल टू 1 माइनस AC। अब जो इस वीडियो में आज हम अंतिम बात जो करने जा रहे हैं वो ये रिलेशन है गामा डी इज इक्वल टू गामा अपॉन 1+W। ये रिलेशन भी बहुत इम्पोर्टेंट है और ये आगे बहुत ज़्यादा काम आएगा। चौथा जो बात हम करने जा रहे हैं, टू प्रूव गामा डी इज इक्वल टू गामा अपॉन 1+W। देखिए इसको प्रूव करने के लिए आपको कुछ बातें याद रखनी होती है। We know that हम जानते हैं कि ये जो W होता है इसे कहते हैं वाटर कंटेंट, ये होता है वॉल्यूम ऑफ वेट ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ सॉलिड्स। अगर हम पानी के भार के अंदर सॉलिड के भार का भाग लगाते हैं तो वाटर कंटेंट कहलाता है, वॉल्यूम ऑफ वेट वॉल्यूम ऑफ वाटर अपॉन वॉल्यूम ऑफ ड्राई सॉइल या सॉइल सॉलिड्स, जिसको पहले अपन अच्छे से आपको समझा चुके हैं। अब देखिए हमको जो प्रूव करना है उसमें 1+W आ रहा है, तो हम क्या करेंगे दोनों तरफ एक जोड़ देते हैं, एडिंग 1, 2 बोथ द साइड्स, एडिंग 1, 2 बोथ द साइड्स। तो क्या हो जाएगा 1+W इज इक्वल टू वेट ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ सॉलिड्स +W+1। हमने इधर भी 1 जोड़ दिया उधर 1 जोड़ दिया, ऐसा क्यों किया, क्योंकि हमको रिलेशन में ये 1+W लेके आना है। अब अगला पेज देखिए, हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं, 1+W इज इक्वल टू वेट ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ सॉलिड्स +1, 1+W इज इक्वल टू, अगर हम LCM लें इसका तो वेट ऑफ सॉलिड्स WD LCM आएगा, इसको अपन 1/1 भी कह सकते हैं, इसमें इसका भाग लगाएंगे 1 × तो वेट ऑफ वाटर रह जाएगा, इसमें इसका भाग लगाएंगे तो WD आएगा, × 1 करेंगे तो WD हो जाएगा। अब देखिए पानी का भार और सॉलिड का भार मिलकर क्या बनता है, कंप्लीट सॉइल का भार। कोई भी सॉइल सैंपल होता है वो 3 पार्ट्स में होता है, 3 फेज में होता है,
सॉलिड, वाटर एंड एयर। एयर का तो वेट होता नहीं है, वेटलेस होती है, वॉल्यूम होता है लेकिन वेट नहीं होता है। तो पानी का वेट और सॉलिड का वेट मिलकर सॉइल का पूरा वेट बन जाता है, जिसको हम कैपिटल W कहेंगे, यानी कि टोटल वेट ऑफ सॉइल सैंपल। अब देखिए, अगर हम किसी फ्रैक्शन के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को जीरो के अलावा किसी और से भाग लगा दें, डिवाइड कर दें, तो वैल्यू नहीं बदलेगी उसकी। तो हम क्या करेंगे, ऊपर भी V से डिवाइड करेंगे और नीचे भी V से डिवाइड करेंगे। तो क्या है? बोलते हैं इसको डिवाइडिंग द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर बोथ बाय V। V मीन्स टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल सैंपल। हम हिंदी में कहेंगे अंश और हर दोनों को मृदा के कुल आयतन V से भाग देने पर। इक्वेशन है, आप दोनों साइड बराबर है, या किसी फ्रैक्शन के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को अगर इक्वल नंबर से डिवाइड करते हैं तो उसके फ्रैक्शन में कोई चेंज नहीं आएगा। जैसे देखिए, ये 4/8 है, अगर मैं 4 को 4 से डिवाइड करूँ तो 1 आएगा, और 8 को 4 से डिवाइड करूँ 2 आएगा। ये दोनों बराबर ही हैं, कहाँ दिक्कत है इसके अंदर? 4/8 तो 1/2 होता ही है, क्रॉस चेक कर लो, 4 × 2 = 8 और 8 × 1 = 8। इसलिए हम किसी अगर फ्रैक्शन के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से डिवाइड करते हैं, बस वो नंबर 0 नहीं होना चाहिए, तो वो फ्रैक्शन बदलता नहीं, यानी कि 4/8 जो है वो 1/2 के बराबर है। इसको 4 से डिवाइड किया तो 1 आ गया, इसको 4 से किया तो, वैसे ही हमने इसको भी V से डिवाइड किया, इसको भी V से डिवाइड किया। अब देखिएगा, W/V जो होता है अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, वो गामा होता है, बल्क डेंसिटी, और ये जो होता है ये ड्राई डेंसिटी होता है। ये हम पहले पढ़ चुके हैं कुछ वीडियोज़ के अंदर। अब हम इसको 1+W/1 भी कह सकते हैं, = γ/γD। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा γD(1+W)γ। इट मींस γD(γ/1+W)। ये वो इम्पोर्टेंट रिलेशन है जो हमारे बहुत काम का है। तो ये आप जो आपको मैंने आज इस वीडियो में बताया, मुझे आशा है कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा, और आपने अब तक खूब सारे लाइक्स और शेयर्स हमको दिए होंगे। जो भी इनको देख रहे होंगे, लाइक करें, शेयर करें, आप कहीं भी बैठे हों इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए इन वीडियोज़ को, और आने वाले समय के अंदर बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस के लिए तैयार रहिए। आपकी हम बेसिक नॉलेज को बिल्कुल बढ़ाएंगे और आपके अच्छे मार्क्स आएंगे सब्जेक्ट के अंदर, इट इज़ माई प्रॉमिस टू यू। और आपने अगर मेरा ये चैनल तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए, मैथ्स एरा एंड सिविल इंजीनियरिंग बाई RP व्यास, ये मेरे मोबाइल नंबर है। आप मुझे अपनी समस्याएं इस मोबाइल नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, आपको उसका वीडियो बनाकर लिंक भेज दिया जाएगा। इट इज़ ऑल ओवर अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू।